दोस्तों पटना स्मार्ट सिटी के तहत जीपीओ गोलंबर के पास बन रहे मल्टी मॉडल हब को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है दिसंबर में शुरू होने की पूरी संभावना है इसका काम तेजी से चल रहा है ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो चुका है इसके ऊपरी तल का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है अभी पेंटिंग का काम चल रहा है इसके बाद लाइटिंग पानी लिफ्ट आदि की तैयारी की जाएगी हालांकि इसे इसी साल के जून तक तैयार किया जाना था लेकिन किसी कारणवश देरी हो चुकी है अब साल के अंतिम माह तक शुरू करने की तैयारी चल रही है इसकी सीढ़ियां बनकर तैयार हैं एक्सकलेटर को भी लगा दिया गया है लेकिन अभी निर्माणाधीन है इसके शुरू होने से पटना जंक्शन पर वाहनों की भीड़ में कमी आएगी व ट्रेन से पटना जंक्शन आने वाले सब होते हुए ट्रांसपोर्ट हब पहुँच शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए वाहनों का उपयोग कर सकेंगे आपको बताएं कि बकरी बाजार से पटना जंक्शन तक तैयार हो रहे चार सौ मीटर का सबवे का काम अभी चल रहा है हालांकि कुछ दिनों पहले बारिश का पानी भरने से, काम रहा था। लंबे समय से चल रहे जंक्शन तक पहुंच सकेंगे इसमें 118 मीटर ग्राउंड पर पाथवे है जबकि संतानवे मीटर अंडरग्राउंड पाथवे है करीब 320 मीटर का रास्ता सीधे जमीन के अंदर बने सुरंग से होते हुए पटना जंक्शन के मुख्य भवन और महावीर मंदिर की दक्षिण की तरफ जाएगा नगर आयुक्त के मुताबिक सिविल वर्क पूरा हो चुका है, की सुरंग भी बन चुकी है। इस ट्रेवलेटर चालू कर दिया जाएगा यानी कि अब पटना जंक्शन पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए इतनी सुगमता तो हो ही जाएगी कि लोग अपने वाहन से उतरेंगे और उन्हें पटना जंक्शन के लिए रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस वो एक्सकलेटर पर खड़े होंगे और एक्सकेटर उन्हें पटना जंक्शन तक पहुंचा देगा